my subscriber. Say hi. Hello. What's your name? Smriti. Smriti. Okay. Yeah. Thank you. Welcome. So finally, actually हो गया था memory card full. मेमोरी कार्ड फुल हो गया था तो रुक के मुझे दूसरा मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना पड़ा। और अब चले हम किधर। इस समय हम खड़े हैं काली गंडकी नदी के पुल पर। हाँ, काली गंडकी नदी है, उसके पुल पे हैं, तो इसको क्रॉस कर रहा है। तो चलते हैं आगे। अभी बहुत ऑफ रोड बची है दोस्तों, तगड़ी वाली ऑफ रोड बची है अभी भी। उस वाले कार्ड का, वो कार्ड का फुल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लग रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वो फुल हो गया था। वो तो मैंने सूसू ब्रेक लिया तब मुझे पता चला कि वो तो फुल है। फिर मैं अच्छा चलो ठीक है, आगे थोड़ी देर चलते हैं, उसके बाद जहाँ जगह मिलेगी रोक के तब बदलूँगा। ये काम मैंने कर दिया। अभी पीछे वो जगह निकली है जहाँ मैं लास्ट अभी पिछले दिन जब जा रहा था तो मैंने रुक के वहाँ पे नाश्ता वास्ता किया था। तो वो जगह मैंने क्रॉस कर ली है। अब चल रहे हैं टूवर्ड्स पोखरा। अभी पता नहीं कितनी दूर बचा है, मैंने मैप भी नहीं लगाया है। चल एवरेस्ट। इंडिया वाले भाई मिले। रुक के कुछ शायद कहना या पूछना चाह रहे थे लेकिन मैं रुका नहीं, तो उन्होंने भी आगे बढ़ा दी। बहुत ज़्यादा। ये वहाँ से वो पाइप कितना मोटा सा आ गया है नीचे, वो देखिए क्या है उस पाइप में। पास पहुँचू तो दिख। ओफो, धूल देख रहा है। मेरे पास बस एक ही मेमोरी कार्ड बचा हुआ है, तो मुझे एक मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा पोखरा में। पोखरा पहुँच के वहाँ से लेता हूँ एक मेमोरी कार्ड और। भाई साहब यहाँ पे कुछ तो बन रहा है भाई, क्या बन रहा है कुछ। वो पाइप यहीं आया है नीचे, पता नहीं क्या क्या बनाया करते हैं लोग इस दुनिया में। साढ़े नाल रोगे ते ऐश करोगे। कोई नहीं था, कोई नहीं था। रेस्टोरेंट है। डक तू इधर चली। डक बहुत तगड़े से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे। डरवा दिया इसने तो। टक 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 टक। जिन पहाड़ पे बैठे हो उन्हीं पहाड़ को तोड़ रहे हो जानी। बहुत तगड़े से काम चल रहा है, बना देंगे 2-3-4 सालों में ये लोग।
तो स्टार्टिंग वाला भी बाकी है यार। ऑफ रोड स्टार्टिंग में जो थी गंदा की चौड़ा सब कुछ था उसमें। ब्लाइंड टर्न रहते हैं सब कुछ दिखता नहीं है तो हॉर्न मत देना जरूरी होता है। अभी मुझे हॉस्टल बुक करना है। अरे अभी तो गया था, स्किड कर गई थी भाई। अगर मैंने वहाँ पे ब्रेक मारा होता तो मैं गिर जाता, बच गया। मैंने एक्सीलेटर लिया, टायर स्किड कर गया वहाँ पे तो। मतलब बहुत तगड़ा पिकअप है क्या मेरी बाइक में। नहीं वो रेतीली मिट्टी थी ना इस वजह से स्किड की होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आओ मैं भी जाऊँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, नदी पैरेलल चल रही है। पुलिस पीछे भी पुलिस। यहाँ पे फ्राइडे या सैटरडे में वोटिंग है, इलेक्शन है। एक बंदा मिला था मैंने उससे पूछा, वहाँ जहाँ पे भंसार मैंने बनाया था उसने तो बताया था कि आज ही कल में है, लेकिन नहीं फ्राइडे या सैटरडे में, तो तब तक तो शायद मैं निकल भी जाऊँगा। अच्छा अभी तो यहाँ पहुँचाऊँगा तब तो शायद मैं निकल जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा घर। क्योंकि फ्राइडे सैटरडे में फिर ये लोग गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे, इसीलिए वो मेरा भंसार सिर्फ 7 डे का बना रहा था। उसने कहा था 10 डे का नहीं बन पाएगा, लेकिन मैंने प्रिकॉशनली बनवा लिया था 10 दिन का। होता भी ये है कि अगर आप दूर देख रहे हैं कितने, जितने दिन की भी प्लान कर रहे हो ना उससे 1-2 दिन ज़्यादा ही बनाओ, 100-150 रुपये कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अगर पकड़ गए ना बिना भंसार के तो फाइन बहुत तगड़ा लगता है। अरे यार ये तो बहुत धूल उड़ा रहा है, तब बहुत तगड़ा फाइन लग जाता है। तो इसी वजह से भंसार मैंने कहा 1-2 दिन का ज़्यादा हो जाए कोई नक्को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नक्को पड़ता, लेकिन फंसू ना। ये अच्छा वाटर क्रॉसिंग थी, बच्ची वाटर क्रॉसिंग, यहाँ तो धस रही है गाड़ी। उप्स, कितने कम मार्जिन पे निकल रही है बस। गियर भी ब्रेक भी सब फर्स्ट गियर और ब्रेक वेक लगा के चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कितना सही लग रहा है ये सीन। ओए 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 कैसे देख पाएंगे, ज़्यादा खराब। कितने बड़े पहाड़ हैं, कितने बड़े पहाड़, बहुत बड़े पहाड़, बहुत बड़े पहाड़। अभी हम इनसे ऊंचे थे, अब हम इनके नीचे आ गए। अब मिल
जाओ यार अच्छी रोड। एक तो ये जाने नहीं दे रहा है, चल भाई तू ऐसा कर तू ही चला जा, मैं रुक जाता हूँ, चल जा। ये पहाड़ काटे गए हैं, ये या तो लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड हुई है नहीं, पहाड़ काटे गए, इतने सही लग रहा है। चलिए इस बस वाले को जाने देते हैं।